चौथा कार्य जो है निर्देशन, डायरेक्शन, दिशा निर्देश देना। यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। नियुक्तिकरण के पश्चात चयनित कर्मचारियों को कार्य की संपूर्ण जानकारी देना कि उन्हें किस प्रकार से कार्य करना है, इस संबंध में आदेश, निर्देश, दिशाएं देना जो है वो निर्देशन कहलाता है। सामान्य तौर पर यदि कर्मचारी को कार्य के प्रति स्पष्ट निर्देश प्राप्त नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में वो कार्य करने में अक्षम होगा। साथ ही उत्पादन क्रियाएं में जो अनियमितताएं होगी उससे समय व धन का दुरुपयोग भी होगा। वर्तमान समय में डायरेक्शन जो है निर्देशन, इसके स्थान पर नेतृत्व शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। नेतृत्व मतलब अगुवाई करना, किसी भी कार्य को करने के लिए आगे तेजी से बढ़ना। तो नेतृत्व भी जो है एक कला है जिससे कर्मचारी को इस प्रकार से प्रभावित किया जाता है कि वो संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगन एवं मेहनत से कार्य को करे। इसके लिए आवश्यक है अधीनस्थों को कार्य समझाना, उन्हें दिशा निर्देश प्रदान करना, साथ ही समय समय पर कार्य का प्रशिक्षण उन्हें देना, उनका मानसिक रूप से विकास करना ताकि उनके कार्य के प्रति और उपक्रम के प्रति उनके मन में निष्ठा पैदा हो। डायरेक्शन मुख्य रूप से सामान्य तौर पर लिखित ही होना चाहिए, लिखित आदेश और दिशा निर्देश होना चाहिए। साथ ही अधीनस्थों के प्रति परस्पर सद्भाव समन्वय भी स्थापित होना चाहिए और समय समय पर डायरेक्शन के अंतर्गत अधीनस्थों द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण भी करना चाहिए। पांचवा कार्य है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा से तात्पर्य है कि सामान्य तौर पर किसी भी कार्य के लिए व्यक्ति को कार्य के प्रति उत्साहित करना, उसका उत्साह बढ़ाना। ये वास्तव में निर्देशन या नेतृत्व से जुड़ा होता है। अभिप्रेरणा का कार्य भी जो है पृथक कार्य माना गया है क्योंकि कुशल नेतृत्व वही है जो अपने अधीनस्थों के मनोबल को ऊंचा रखकर संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रेरित कर सके। अभिप्रेरणा के अंतर्गत कर्मचारियों को उपक्रम से संबंधित समस्त क्रियाकलापों की जानकारी देना, भावी योजनाओं के संबंध में उनसे विचार विमर्श करना, उन्हें उनकी रुचि अनुसार चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपना, समय समय पर प्रशिक्षण देकर उनका मनोबल बढ़ाना, इस प्रकार से स्वयं के विकास के उन्हें अभिप्रेरणा के माध्यम से अवसर प्राप्त होते हैं, उसका स्वयं का डेवलपमेंट होता है। अभिप्रेरणा को जो है दो भागों में बांटा गया है, एक अवित्तीय अभिप्रेरणा, दूसरा वित्तीय अभिप्रेरणा। अवित्तीय अभिप्रेरणाएं वे अभिप्रेरणाएं हैं जो कि सामान्य तौर पर एक कर्मचारी को कार्य के लिए प्रोत्साहित करती हैं, जैसे कि कार्य के दौरान, कार्य वर्किंग के दौरान उनके कार्यों की प्रशंसा करना, उनका उत्साह बढ़ाना, उनका मनोबल बढ़ाना, साथ ही उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उन सभी कार्यों की तारीफ जो है अन्य अधीनस्थों के समक्ष करना, उन्हें प्रशंसा पत्र प्रदान करना, और इसके अलावा कार्य का वातावरण, जहाँ पर कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वहाँ का वातावरण बेहतर रखना एक कर्मचारी को अवित्तीय रूप से अभिप्रेरित करता है। दूसरा अभिप्रेरणा जो यहाँ पर है वित्तीय, जिसको हम धनात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। सामान्य तौर पर यह आर्थिक रूप से अधीनस्थों को प्रेरणा प्रदान करता है। इसमें जो है कर्मचारियों को बेहतर कार्य करने के उपलक्ष्य में उन्हें अतिरिक्त वेतन वृद्धि, बेहतर वेतन, बोनस या पदोन्नत वेतनमान, नगद पुरस्कार आदि सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार से अभिप्रेरणा के अंतर्गत देखते हैं हम कि कर्मचारी को अभिप्रेरित करने से उपक्रम के जो उद्देश्य हैं, उपक्रम के जो लक्ष्य हैं, वो बेहतर ढंग से प्राप्त किए जा सकते हैं और कर्मचारी का मनोबल बढ़ाया जा सकता है। संप्रेषण या संदेश वाहन, कम्युनिकेशन। ये हम देखते हैं कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है या कोई संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश जाता है तो वो प्रॉपर अपने मूल अर्थ सहित उस स्थान तक पहुंचता है या अथवा नहीं, ये कार्य देखा जाता है संप्रेषण के माध्यम से। तो एक उपक्रम में जब हम देखते हैं कि सूचनाओं का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सम्मान करने से या पहुँचने से है, जिससे दूसरा व्यक्ति उसे आसानी से समझ सके और उपक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। संप्रेषण जो है वो दो तरफा प्रक्रिया होती है, दो पक्षी होती है,
क्योंकि संप्रेषण तभी प्रभावकारी होता है जबकि सूचना देने वाला और उस सूचना को पाने वाला दोनों के बीच में पारस्परिक विचारों का समुचित आदान प्रदान हो। यदि जो बात उच्च स्तर से कही गई है और वो उसी रूप में यदि निचले स्तर तक ना पहुँचे तो ऐसी स्थिति में ये अस्पष्ट संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण को तीन भागों में बांटा गया है, अधोमुखी, ऊपरमुखी और क्षैतिज संप्रेषण। अधोमुखी संप्रेषण जो होता है इसके अंतर्गत संवाद का जो क्रम है या प्रवाह जो है उच्च स्तर से निचले स्तर की ओर होता है, अर्थात उच्च अधिकारी के द्वारा निचले स्तर के अधिकारी को संदेश जिसमें दिया जाता है वो कहलाता है अधोमुखी। दूसरा हम देखते हैं ऊपरमुखी, मतलब ऊपर की ओर। इस संप्रेषण में जो भी सूचनाएं या बातें होती हैं वो निचले स्तर के अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा उच्च स्तर के अधिकारियों तक भेजी जाती हैं, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर, ये कहलाता है ऊपरमुखी संप्रेषण। और तीसरा क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब होता है एक लाइन में। इसके अंतर्गत समानता के आधार पर सूचनाएं आपस में सहयोगियों के बीच में संवहित होती हैं, जैसे कि उच्च स्तर के अधिकारियों के बीच में या मध्यम स्तर के अधिकारियों के बीच में या प्रथम वर्गीय निचले स्तर के कर्मचारियों के बीच में, आपस में ही एक ही कैटेगरी के लोगों के बीच में आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है तो वो कहलाता है क्षैतिज संप्रेषण। तो इस प्रकार से एक बेहतर संप्रेषण जो है उपक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला बिंदु है नियंत्रण, कंट्रोल। कंट्रोल से यहाँ पर तात्पर्य कि जो भी कार्य उपक्रम के अंतर्गत कर्मचारियों को सौंपा गया है वो कार्य योजना के अनुसार, नियोजन के अनुसार हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, उस पर लगातार मॉनिटरिंग रखना नियंत्रण या कंट्रोल कहलाता है। तो नियंत्रण जो है छानबीन द्वारा ये निश्चित करने की प्रक्रिया है कि कार्य योजना के अनुसार चल रहा है अथवा नहीं, उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में उचित प्रगति हो रही है अथवा नहीं। यदि इसमें कोई अंतर पाया जाता है तो हम उस अंतर को ज्ञात करें और उसको सुधार करने के लिए उसके लिए हम क्या आवश्यक कदम उठाएं ये हमें देखना होगा। योजनाओं का निर्माण कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसका उचित प्रकार से क्रियान्वयन भी होना चाहिए और ये क्रियान्वयन जो है वो नियंत्रण या कंट्रोल के माध्यम से ही हो सकता है। हम देखते हैं उपक्रम के सारे कार्य योजना के अनुसार चल रहे हैं अथवा नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं वास्तविक प्रगति जो अभी हमें प्रगति प्राप्त हुई है और जो पूर्व में हमने उपनियोजन के अनुसार जो निर्धारित लक्ष्य तय किए थे, इन दोनों में यदि कोई अंतर है तो ऐसी स्थिति में इसका मतलब ये है कि यदि कार्य योजना के अनुसार नहीं हुआ है तो निर्धारित लक्ष्य जो है वो वास्तविक प्रगति से क्या है कम है। तो हमें ऐसे उपायों को करना जिससे कार्य योजना अनुरूप चल सके और निर्धारित लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सके। यहाँ पर नियंत्रण और नियोजन एक दूसरे से क्या है अत्यधिक संबद्ध है। कार्य योजना के अनुसार चले इसके लिए हमें कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना होता है। प्रबंधक सभी मामलों पर नियंत्रण रखने के लिए कर्मचारियों पर नियंत्रण करते हैं। नियंत्रण प्रक्रिया से कर्मचारियों में एक अनुशासन की भावना पैदा होती है। तो एक उपक्रम में नियंत्रण की प्रक्रिया को अपनाया जाना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि उपक्रम पर मुख्य रूप से नियंत्रण जो है ये सभी कर्मचारियों में अनुशासन की भावना पैदा करता है। अगला बिंदु है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। कर्मचारी के कार्यकलापों में समन्वय स्थापित करना भी प्रबंध का एक प्रमुख कार्य होता है। इसके अंतर्गत हम प्रथम में देखते हैं जब संगठन के अंतर्गत हम विभिन्न विभागों उप विभागों का निर्धारण करते हैं तो उसके अंतर्गत जो है विभिन्न विभागों और उप विभागों के विभिन्न सदस्यों के बीच में हम कार्य का बंटवारा करते हैं तो कार्य का बंटवारा इस प्रकार से हो कि उनमें आपस में संतुलन व सहयोग बना रहे, क्योंकि सभी विभाग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अतः समन्वय के अभाव में लोग यदि अलग अलग दिशाओं में कार्य करते हैं तो इस स्थिति में सभी विभागों के कार्य प्रभावित होते हैं और उत्पादकता में कमी आती, वहीं लागत बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो उत्पादन कार्य विभाग का कार्य है उत्पादन करना,
क्रय विभाग का कार्य है कच्चा माल खरीदना, परचेजिंग करना। विक्रय विभाग का कार्य है माल को बाजार में बेचना। अब यदि ऐसी स्थिति में क्रय विभाग और उत्पादन विभाग और विक्रय विभाग के बीच में यदि आपसी तालमेल नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उपक्रम का लक्ष्य प्रभावित होगा। तो इस प्रकार से समन्वय में विभिन्न विभागों उपविभागों में उनके कर्मचारियों के बीच में आपसी तालमेल बना रहता है, जिससे बिना किसी संघर्ष के व्यवस्थित ढंग से कर्मचारियों द्वारा आपसी सहयोग व एकरूपता से सभी कार्य पूरे किए जाते हैं और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो समन्वय के अभाव में हम यहाँ देखते हैं कि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं होता, इसलिए एक उपक्रम में कोऑर्डिनेशन की भावना का होना बहुत। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि प्रबंध की जो प्रक्रिया है, प्रबंध के जो कार्य हैं, वे वास्तव में अलग अलग ना होकर क्रमशः एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर इस अध्याय के अंतर्गत हमने जाना कार्यों में कि किसी भी कार्य को करने के पहले सर्वप्रथम उसकी योजना को तैयार करना, फिर योजना के अनुरूप संगठन का ढांचा तैयार करना, संगठन के ढांचे के अनुरूप उसमें जो भी आवश्यक तत्व हैं उनको नियुक्तिकरण करना, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, विभिन्न साधनों को तय करना, तत्पश्चात उन समस्त साधनों का दिशा निर्देश करना, उनका निर्देशन करना, तत्पश्चात उनका अभिप्रेरित करना, उनको अभिप्रेरित करना, साथ ही उन्हें जो भी संदेश या विचार प्रेषित किया जाना उसको उचित माध्यम के माध्यम से द्वारा संप्रेषित किया जाए, साथ ही उन पर नियंत्रण रखा जाए और उन सभी साधनों पर आपस में कोऑर्डिनेशन समन्वय बनाकर रखा जाए। तो इस अध्याय के अंतर्गत हमने ये जाना कि प्रबंध के महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या थे।